नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किए कि सर बताइए हमें आपका जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपके उत्तराखंड में, उनके बारे में थोड़ा सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, आज हम इसी पे आपका वीडियो बना रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इन उत्तराखंड। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी जानकारी उपलब्ध होती रहें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट में आपका कॉलेज है, देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका, ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी रैंक भी काफ़ी अच्छी खासी है। फिर उसके बाद आता है देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका काशीपुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं, देखिए आपका जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका पित्तू वाला देहरादून, ये भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग कॉलेज है आपका, टॉप कॉलेजेस में इसकी गिनती होती है। नेक्स्ट दूसरा भी जो कॉलेज है आपका, देखिए ये भी आपका देहरादून का ही है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक सुद्धो वाला, ये भी आपका देहरादून में, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी रैंक भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एक पड़ता आपका नरेंद्र नगर में, ये भी काफ़ी अच्छा खासा कॉलेज है। इन कॉलेजेस से क्या होता है आपका, हर साल प्लेसमेंट तो होते ही रहते हैं, ठीक है, और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, ये टॉप रैंकिंग में इसीलिए गिने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका दोराहाट नरेंद्र नगर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, देखिए जो आपका अल्मोड़ा में है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ठीक है, ये केवल गर्ल्स के लिए, एक सुद्धो वाला था वो भी केवल आपका गर्ल्स के लिए था देहरादून। फिर इसके बाद आता देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका लोहाघाट, ये भी काफ़ी, इस कॉलेज की रैंकिंग भी थोड़ी सही ठीक ठाक ही है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता देखिए ये लोहाघाट वाला आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट। फिर आपका देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर, उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी, ठीक है। ये जो आपके कॉलेजेस हैं ये टॉप 10 के अंदर आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट हैं, ठीक है, और भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी भी अच्छी खासी रैंकिंग है। आप जैसे कि एक देखिए रामनगर में आपका, और एक कोटाबाग में गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक है, देखिए वो भी अच्छा है, कोटाबाग वाला, KL भी अच्छा है, देखिए आपका सेमी गवर्नमेंट, और रामनगर वाला भी। ऐसे जितने भी आपके देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, उनकी पढ़ाई भी, जो उनमें पढ़ाई होती है काफ़ी ठीक ठाक होती है, और प्लेसमेंट भी हो ही जाता है आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें यही टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में देखिए सीट्स अलॉट होती हो तो उसमें आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, मेरा मानना तो ऐसा है। तो इन कॉलेजेस के लिए देखिए रैंक आपका लगभग कितनी होनी चाहिए, जो मेरा अनुमान है अभी तक का, ठीक है, जो एक्सपीरियंस कहता है कि देखिए इन कॉलेज में आपका एडमिशन लेने के लिए लगभग रैंक आपका देखिए 1000 से 1200 के, जनरल वालों के लिए देखिए 1500 तक के लिए होना चाहिए, ठीक है, जो रैंक होना चाहिए आपके। देखिए रैंक हम बात कर रहे हैं आपका ग्रुप ई की, ठीक है, केवल ग्रुप ई की, वो भी जनरल की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। इन कॉलेजों के लिए कम से कम आपका देखिए 1000-1500 के बीच होनी चाहिए रैंक, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 1000 तक, या 1500, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या जा सकते हैं, अप टू 1500, ठीक है, 1500 तक होनी ही चाहिए, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपका देखिए कि 2000 रैंक में नहीं होगा, अगर इन कॉलेजेस जितने भी हैं ये टॉप 10 के आपका, इनमें सीट खाली छूटती है तो आपका 2000 तक भी होता है एडमिशन, ऐसी बात नहीं, 3000 के आसपास भी हो जाता है, ठीक है, और 500 इसमें ऐड कर लो जो कोटा वाले हैं, ठीक है, जिन जो रिजर्व कैटेगरी हैं आपकी, ये तो अनरिजर्व के लिए था 1500, ठीक है, रिजर्व के लिए आपका देखिए लगा सकते हैं आप 500 ऐड कर सकते हैं, 500-1000, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए केवल, उसके बाद आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि कितने से कितने रैंक तक के कॉलेज आपको अलॉट हो रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से आप पूछ के पता कर सकते हैं। लेकिन गर्ल्स को देखिए, गर्ल्स को भी इसी कैटेगरी में डालिए आप, 2000 के आसपास मिल ही जाएगा ये कॉलेज, ठीक है, 1500 से 2000 के आसपास। लेकिन इनमें जो कोर ब्रांचेस है आपका देखिए सिविल मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल, उनको देखिए कम रैंक, अंडर 1000 ही मिलता है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर। लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग का दायरा बढ़ेगा, सीट खाली छूटेंगी, तो आपको इनसे ज़्यादा रैंक पे भी आपका कॉलेज उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, सीट अलॉट हो सकती है 100%। लेकिन ये मैं इन टॉप 10 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो बाकी आपके कॉलेज हैं तो उनमें तो आपका देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में 2000-3000 तक भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, अगर सीट खाली छूटती हैं तो थर्ड काउंसलिंग में उससे ज़्यादा आपका दायरा बढ़ाते हैं, ठीक है, रैंक का। तो
इस प्रकार से रैंक ऐसा नहीं है कि वेरी करती है आपका, ये तो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपका, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में आपको पता चलेगा कि कितनी वेरी कर रही है। ठीक है, 500 हज़ार वेरी कर सकती है आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए ग्रुप ए के लिए। अब ग्रुप ए वाले को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमें इन टॉप 10 कॉलेजेस में आपका कितनी रैंक तक मिल सकता है। तो देखिए पहले काउंसलिंग में तो आपका 250 रैंक तक, मान के चलो 200 रैंक तक, ठीक है, अंडर 100 मान के चलो फर्स्ट काउंसलिंग के आसपास। सेकंड में देखिए जैसे काउंसलिंग बढ़ती जाएगी आपकी तो दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने के। तो 500 रैंक में ऐसा है कि इनके अलावा भी आपके जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं काफ़ी और भी हैं, ये तो टॉप के, मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। टॉप में तो आपको अंडर 100 या 200 के आसपास ही इनके बीच में वैरी करेगी, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं आपका, क्योंकि लेटर एंट्री की सीट बहुत कम होती है, हर कॉलेज में 10-15, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, एक ब्रांच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-5% होती होगी या 10% जो भी है आपका, आप ब्राउच में पढ़ सकते हैं। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सीट के बारे में बताइए, तो सीट का तो देखिए ऐसा हर कॉलेज का अलग सीन होता है। ठीक है, लगभग जो होती हैं देखिए 40 से 65 के बीच में होती हैं मिनिमम से मैक्सिमम सीटें। ठीक है, किसी कॉलेज में 40 भी हो सकती हैं, किसी कॉलेज में आपका 60-65 भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर फार्मेसी की तो मेरे ख्याल से आरटी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो मेन, तो उनका तो देखिए आपको काउंसलिंग तो करवानी पड़ेगी। देखिए 500 रैंक तक आप करवा सकते हैं वैसे पहले काउंसलिंग में, ऐसा नहीं है कि आपको 500 जिनकी भी रैंक है उससे आगे नहीं करवा सकते आपको। देखिए जितनी भी रैंक हो हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करना ही है, ठीक है, तो आपके 100% चांस है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। अच्छा कॉलेज नहीं तो आपको देखिए गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट मिल जाए कॉलेज, उसमें आपका सरकारी सीट अलाट हो जाए, या प्राइवेट कॉलेज में आपका देखिए सरकारी सीट होती हैं वो अलाट हो जाए तो वो भी आपको हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे देखिए, क्योंकि बहुत सौ का ऐसा होता है, देखिए गर्ल्स का तो ऐसा होता है वो ज़्यादातर अपने घर के पास में ही प्रीफर करती हैं कॉलेज, ठीक है, उनके घर वाले भी नहीं भेजते बाहर, तो सामने वो ज़्यादातर प्रीफर करती है अपने ही जो उनके वहाँ में कॉलेज हो, ठीक है, गवर्नमेंट। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका देखिए 10th के बाद क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं यार पहले हम 12th ही कर लें, तो ऐसे बच्चे भी छूट जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपका देखिए स्टूडेंट जो अभी ये देखिए उत्तर प्रदेश में भी हुआ है आपका और उत्तराखंड में भी, दोनों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, 1-8% ऐसे भी होंगे जो आपका देखिए उत्तर प्रदेश में ले लेंगे और जिनकी सीट क्या बच जाएंगी आपकी उत्तराखंड में बच जाएंगी। तो कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं तो जिनकी वजह से आपका सीट थोड़ी खाली छूट जाती है, ठीक है, और फिर जिनका काफ़ी दूर होता है बहुत से पहाड़ों में नहीं लेना चाहते, प्लेन्स में ले लेते हैं, तो ऐसे भी आपकी देखिए पहाड़ों की जो प्लेन्स मतलब हिल साइड की सीटें होती हैं वो खाली छूटने की चांसेस रहती है, तो वहाँ आप जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ भी आपको सीट मिलने की पूरी उम्मीद रहती है, ज़्यादा रैंक वालों को भी, ठीक है, 2000 तक जो अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सभी को क्या कहते हैं काउंसलिंग में शामिल होना है, आपको 100% निश्चित ही आपको देखिए कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं तो फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर आपका गवर्नमेंट सीट अलाउड ही हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको वीडियो में, धन्यवाद।